सो गाइस आज इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं ड्यूक 125 को ड्यूक 200 के साथ। आप लोगों में से काफ़ी लोग कन्फ्यूज है कि यार कौन सी बाइक लेनी चाहिए, तो इस वीडियो के अंदर आपका कन्फ्यूजन दूर होने वाला है एंड आपको मैं बताने वाला हूँ कि कौन सी बाइक आपके लिए बेटर है। यहाँ पर बात करें ड्यूक 125 के बारे में तो इसका ऑन रोड प्राइस आता है 1,95,000 रुपीज़, और यहीं अगर हम बात करें ड्यूक 200 का तो इसका ऑन रोड प्राइस आता है 2,14,000 रुपीज़। तो ऑन एन एवरेज जो है 19,000 रुपये का डिफरेंस है दोनों बाइक्स में। अगर यहाँ बात करें दोनों बाइक्स की अलग अलग खूबियाँ हैं, दोनों बाइक्स में अलग अलग कमियाँ हैं, तो ये बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर ड्यूक 125 के बारे में। डेफिनेटली जो इसकी पेंट स्कीम आती है वो बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम आती है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी आती है। ये बाइक्स उन लोगों के लिए काफ़ी बढ़िया है जो बाइकिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, जो बिल्कुल बिगनर्स हैं और जिनको माइलेज बहुत ही बढ़िया चाहिए बाइक के अंदर, वो ये डेफिनेटली ड्यूक 125 ले सकते हैं। अब इस बाइक में थोड़ी बहुत कमियां हैं जो कि इस बाइक का है प्राइस। काफ़ी ज़्यादा ओवर प्राइस्ड बाइक है मेरे हिसाब से, मतलब 1,95,000 रुपीज़ इज़ अ लॉट एक्सपेंसिव फॉर जस्ट 125 cc इंजन, मतलब 125 cc इंजन देखने को मिलता है, इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं है। बट हाँ, जो स्टार्ट करना चाह रहे हैं उनके लिए काफ़ी डिसेंट है। लगभग 40 किलोमीटर पर लीटर का यहाँ आपको माइलेज देखने को मिल जाएगा काफ़ी आसानी से अगर भी बाइक ढंग से चलाएंगे। यहाँ पर ब्रेक्स की बात करें तो यहाँ पर 300 mm का फ्रंट डिस्क ब्रेक आता है, 230 mm का रियर डिस्क ब्रेक आता है। सिंगल चैनल ABS बाइक के अंदर हमें यहाँ देखने को मिलता है, मतलब सिर्फ फ्रंट ब्रेक के अंदर ही ABS आपको देखने को मिलता है बाइक के अंदर अगर बात करें। बाकी बाइक काफ़ी कंफर्टेबल है, काफ़ी अच्छी स्पेसिंग है बोथ फॉर द राइडर एंड द पिलियन। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर यहाँ पहले ऐसा ही आता है, आप देख सकते हैं कुछ भी ऐसा नया नहीं है, ओल्ड डिज़ाइन वाला इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। यहाँ पर आपको हेलोजन हेडलाइट क्लस्टर देखने को मिलती है, आप देख सकते हैं विद LED DRLs, तो हेलोजन हेडलाइट क्लस्टर मतलब थोड़ा सा ओल्ड लुक हो जाता है, बट सेम यहीं आपको फ्रंट लुक ड्यूक 200 के अंदर भी देखने को मिलता है। ड्यूक 200 की बात कर लेते हैं, यहाँ पर क्या क्या चेंजेस है ड्यूक 125 से वो बात कर लेते हैं। इसके अंदर सिंगल चैनल ABS की जगह डुअल चैनल ABS आता है, मतलब इस बाइक के अंदर फ्रंट डिस्क ब्रेक और रियर डिस्क ब्रेक दोनों के अंदर ABS देखने को मिलता है। इंजन जो है 199.5 cc का आता है, काफ़ी अच्छा पावरफुल इंजन आता है अगर यहाँ बात करें ड्यूक 200 की। ड्यूक 200 का माइलेज लगभग आपको यहाँ पर 30 से 35 किलोमीटर पर लीटर का आराम से मिल जाएगा अगर आप ढंग से इस बाइक को चलाएंगे। ड्यूक 200 मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा बेटर बाइक है बिकॉज प्राइस में इतना ज़्यादा अंतर नहीं है, लगभग 19,000 रुपये का अंतर है, बट यहाँ पर चीज़ें काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है, बेटर ब्रेकिंग मिलती है, बेटर यहाँ पर पावर देखने को मिलती है। तो देखो पावर और ब्रेकिंग दोनों होना बहुत ही ज़्यादा बढ़िया चीज़ होती है अगर बेटर है बाइक के अंदर तो। बाकी यहाँ पर बाइक के अंदर काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं, फ्रंट लुक के अंदर सिमिलैरिटीज़ हैं, बॉडी लाइन के अंदर सिमिलैरिटीज़ हैं, सस्पेंशन सिस्टम सेम है दोनों बाइक्स के अंदर, अपसाइड डाउन देखने को मिलते हैं। यहाँ पर फ्यूल टैंक 13.5 लीटर्स का दोनों बाइक्स के अंदर देखने को मिलता है। सिटिंग कंफर्ट और सिटिंग पोजीशन जो है वो दोनों बाइक्स के अंदर सेम देखने को मिलती है। स्पेसिंग जो है वो एग्जैक्टली सेम है बोथ फॉर द राइडर एंड द पिलियन दोनों बाइक्स के अंदर। एंड यहाँ रियर में बात करें तो जो टेल लाइट है वो भी आपको एग्जैक्टली सेम देखने को मिलेगी दोनों बाइक्स की। अगर यहाँ बात करें LED इंडिकेटर्स आते हैं दोनों बाइक्स के अंदर, एंड यहाँ पर रियर टायर सेक्शन फ्रंट टायर सेक्शन भी सेम है दोनों बाइक्स का। बाइक्स अगर यहाँ मैं आपकी जगह होता और मुझे चूज़ करना होता दोनों में से एक बाइक, तो मैं ड्यूक 200 चूज़ करता बिकॉज इसकी ब्रेकिंग काफ़ी बेटर है, उसके अंदर जो पावर है वो काफ़ी अच्छा है। अब यार बात यहाँ आती है कि अगर आप ड्यूक 200 को लॉन्ग राइड पर ले जाते हो और ड्यूक 125 को लॉन्ग राइड पर ले जाते हो, देखो ये जो पावर इंजन है ना इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है, आप इतना तेज़ नहीं चला पाओगे बाइक, और मतलब जो आपको एक पावर चाहिए होगी ना, एक जो स्पीड चाहिए होगी वो आपको इतनी अच्छी नहीं मिल पाएगी। वहीं अगर आप ड्यूक 200 ले जाओगे तो आपको काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस मिलेगा बिकॉज पावर अच्छी है, टॉर्क अच्छा है, एक्सेलरेशन अच्छा है, ओवरऑल यहाँ पर राइड एक्सपीरियंस काफ़ी बेटर है यहाँ बाइक का। ब्रेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो ब्रेकिंग यहाँ डेफिनेटली ड्यूक 200 की काफ़ी अच्छी है, तो मुझे इसलिए ड्यूक 200 काफ़ी पसंद है। बट हाँ, सिटी के लिए जो लोग देख रहे हैं बाइक और जो KTM की बाइक लेना चाहते हैं सबसे कम बजट के अंदर, वो लोग ड्यूक 125 डेफिनेटली ले सकते हैं। बट मैं उनको सजेस्ट करता हूँ कि वो थोड़ा सा पैसा बचा के थोड़ा सा पैसा और ऐड करके ड्यूक 200 लें, बिकॉज ये एक ज़्यादा वर्सेटाइल बाइक होती है, एक ज़्यादा लंबे समय तक रखने वाली बाइक होती है। माइलेज मैंने आपको बता दिया, लगभग 30 से 35 किलोमीटर पर लीटर का यहाँ माइलेज दे देती है, और लगभग 40 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज ड्यूक 125 दे देती है। बाकी डिज़ाइन में आपको इतना पता है कोई भी चेंज नहीं है, फ्रंट से रियर से दोनों से बिल्कुल सेम लगती है बाइक। इंजन का फ़र्क है, ब्रेकिंग का फ़र्क है, राइड एक्सपीरियंस का फ़र्क है, बाकी कुछ भी यहाँ चेंज नहीं है बाइक के अंदर। सब कुछ जो क्वालिटी है दोनों बाइक से एग्जैक्टली सेम आती है।
आप कमेंट सेक्शन में ये बताना बिल्कुल मत भूलिएगा कि आपको कौन सी बाइक ज़्यादा बेटर लगती है, ड्यूक 200 या फिर ड्यूक 125। एंड यहाँ पर ड्यूक 200 के अंदर भी दो कलर्स आते हैं, एक वाइट आता है और एक ये ऑरेंज आता है। मुझे दोनों कलर्स काफ़ी डिसेंट लगते हैं, बट वाइट कलर मुझे थोड़ा सा ज़्यादा बेटर लगता है। आपको दोनों में से कौन सी बाइक पसंद है ये आप कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, यहाँ लिख के आ रहा होगा throttle_98 मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल है। मिलते हैं आप सबके लिए वीडियो में, थैंक यू फॉर मेकिंग अ पार्ट ऑफ अ डे, डू कमेंट योर थॉट्स बिलो इन द कमेंट सेक्शन, सी यू नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बी हैप्पी एंड राइड सेफ, बाय बाय।